सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। रणवीर सर और हमारे दीपक भैया उनकी गाइडलाइन में हमेशा रहना चाहूंगी। जब भी कहीं कुछ करना चाहूंगी तो उनको बताना चाहूंगी कि भैया हमें ये करना चाहिए। जो खा रहा है वही गद्दार बन गया मेरे लिए कि तू खिला तेरा ही खाना तुझे वापस करें। भैया तो बहुत भाग्यशाली हैं और वो आप लोगों को भी पता है किस तरीके से बताई गई है, किस तरीके से बोली गई है। मैं बस उस क्लिप की बात करती हूँ कि वो बहुत गलत क्लिप, बहुत गलत। और इतने पे तो विशाल को घर के अंदर होना ही चाहिए, बिल्कुल बाहर। बिग बॉस OTT3 में हो चुका है एक और एविक्शन और ये थोड़ा सा हम सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जो प्लेयर एविक्ट होके आई है उन्होंने बड़े प्यार से सबको अपने हाथों से खाना खिलाया था, बड़े प्यार से सबसे दोस्ती बोलचाल रखी हुई थी। अब पता नहीं क्या गलत हो गया, आइए इनसे पूछते हैं। चंद्रिका दीक्षित इज आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस। चंद्रिका जय श्री महाकाल, और अच्छा लगा कि आपने मेरा रियल कैरेक्टर कहा कि बड़े प्यार से लोगों को खाना खिलाया था। आई थिंक वो खाना खिलाना मेरे लिए गलत हो गया क्योंकि बाहर भी मैं खिलाती हूँ, अंदर भी मैंने एक कहते ना एक ड्यूटी के यार मेरे फैमिली के मेंबर भूखे नहीं होना चाहिए, खाना तो एटलीस्ट मिल जाए, बाकी तो सब अपन अपने अलग अलग खेलेंगे बट खाना प्रॉपर होना चाहिए। तो शायद वो गलती हो गई, तो मेरे लिए अच्छा है। मैं 24 दिन जैसी थी वैसे रही, आज भी बाहर निकली हूँ बहुत खुश हूँ। विन मैंने तभी करा जब पॉलोमी ने आके मुझे कन्विंस करा भाई लड़की अलग है, तो मैं विन। तो आपको क्या लगता है चंद्रिका कौन सी वो एक गलती हो गई आपसे इस जर्नी में कि जिसके वजह से ये एविक्शन हुआ, कुछ अगर आप चेंज करना चाहोगे भी वापस जाके तो क्या? गलती नहीं, मतलब मुझे ये लग रहा था कि जो खिला रहा है ना वही शायद, जो खा रहा है वही गद्दार बन गया मेरे लिए कि तू खिला तेरा ही खाना तुझे वापस करेंगे, वो तो वाली कंडीशन होगी। तू खिला दे हम तुझे ही बाहर करेंगे। खाने के टाइम बहुत मीठा 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 मीठा, चंद्रिका तुझसे अच्छा कुछ नहीं, पीठ में छुरा, तो शायद लगा कि अब मजा आना चाहिए कि चंद्रिका तो खाएगी बॉस तुम खिलाओ अब। जैसे कि चंद्रिका ने कहा कि पहले खाया और फिर पीठ में छुरा, मैं जानना चाहती हूँ चंद्रिका पॉलोमी के अलावा आप किसको एज अ दोस्त देखते हो इस बॉस के घर में? पॉलोमी के अलावा मैं दोस्त कृतिका से काफी मेरा इमोशनली अटैचमेंट हुआ है, ठीक है, तो दोस्त की गिनती में मैं इन फ्यूचर भी उसे दोस्ती रखना चाहूंगी। और विशाल का नाम आ रहा है, रणवीर सर और हमारे दीपक भैया उनकी गाइडलाइन में हमेशा रहना चाहूंगी। जब भी कहीं कुछ करना चाहूंगी तो उनको बताना चाहूंगी कि भैया हमें ये करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि कृतिका को आप अपना दोस्त मान लिया, सबसे पहले उनका नाम लिया, तो क्या ये रीजन था विशाल और कृतिका वाले टॉपिक को आपने थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल ले लिया? एज ए वुमन, एज ए लड़की, एज ए वाइफ, एज ए मदर, मैं उसे वहां फील कर पा रही, मैं उसे देख पा रही थी। लड़कियों के लिए हमेशा स्टैंड लेना पसंद करूंगी, ये नहीं है कि लड़की गलत करेगी तो भी करूंगी, बट उस कृतिका की बिल्कुल गलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक हर्ट हुआ कि कल से कोई मुझे भी ऐसे जज करेगा या ऐसे देखना पसंद करेगा तो मुझे नहीं। पर आपको सच में उस इंसिडेंट के बाद घर में घुटन हो रही थी? आपने कहा हाँ, कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन रही है, सेफ नहीं हाँ, लिटरली कृतिका ने अपने बहुत सारी ऐसे, जैसे पहले दिन हम हमारे घर में शॉर्ट्स ड्रेस घूमते हैं, कुछ भी घूमते, बिंदास घूमते, बट कृतिका ने शॉर्ट्स कपड़े सारे अपने घर भिजवा दिए थे और मैं फील कर पा रही थी वो जब शॉर्ट्स पहनती थी अपनी जिमिंग के लिए, फिर देन वापस वो आके वापस फुल पजामा पहनती थी, तो वो दिख रहा था वो खुल के नहीं। क्या आपने वो क्लिप देखी अभी बाहर आके जिसमें विशाल ने कहा है कि भाभी सुंदर लगती है? वो वाली नहीं देखी, पर एक और देख ली तो मेरा और दिमाग घूम रहा है अब कि भाई तू तो फिर रहने के लायक नहीं है। हाँ, जो था भाग्यशाली, भैया तो बहुत भाग्यशाली हैं और वो आप लोगों को भी पता है किस तरीके से बताई गई है, किस तरीके से बोली गई है। मैं बस उस क्लिप की बात करती हूँ कि वो बहुत गलत क्लिप, बहुत गलत। और इतने पे तो विशाल को घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल। पर जैसे कि चंद्रिका ने जब कहा कि उन्हें घर में सेफ फील नहीं हो रहा है, उसके ऑडियंसेस की तरफ से एक चंद्रिका के लिए रिव्यू है कि चंद्रिका आप मुंबई में हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे। आई नो मुंबई बहुत प्यारा है, बारिश मुझे मिस कर रही थी मैं बारिश को, जब ऊपर टक 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 की आवाज आती थी तो मुझे लगता था कोई बड़ा पाव ला दो, एक कटपट वो कहते ना चाय, कटिंग चाय ला दो और अब मैं खुश। तो ये वाली चीजें। वेल, लास्ट दो क्वेश्चंस बिफोर रैपिंग अप। हमने आपकी अरमान के साथ बातचीत सुनी है कि अभी तो चंद्रिका अगर वापस बाहर जाके वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको एक टिप दे रहे थे कि ना रोज मत जाना, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपने भी कहा कि नहीं मैं तो एक ही दिन जाऊंगी, पर हमें ऐसा लगता है कि जिस चंद्रिका डेली जाएगी उस चंद्रिका में एक दिन इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता है अभी सबसे पहले अगर आप लोगों ने मुझे सुना होगा 5-7 दिन में खुद को देना चाहूंगी क्योंकि मैं आंखें भी बंद कर रही हूँ तो मुझे वो सारी चीजें नजर आ रही है, हर चीज हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा
हेडेक में हूँ तो मैं अपने अपने बेटे और अपने पति के साथ वो 6-7 दिन आराम से, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपनी दुकान को जाके माथा जरूर चुमूंगी बट मैं सिर्फ रेस्ट करूंगी, देन फिर चंद्रिका कम बैक और 10 दिन के बाद काम शुरू। लास्टली मैं सारे कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगी, उनके साथ आपके अपने बॉन्ड को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले जो की पॉलोमी थी आपकी फ्रेंड जो भी घर में, पॉलोमी एक रियल फाइटर लगी, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और लिटरली वो रो रही थी उस दिन जब कन्विंस करने आई थी, यार तुझसे कुछ कन्विंस करना है, तू वो लड़की नहीं थी जो तेरे लिए मैं बोल के आई। तो हीरो कृतिका, कृतिका मासो, कटारिया, कटारिया चालबाज, विशाल अपना खुद का, उसका कोई डिसीजन नहीं होता, कहते हैं उसको, उसको ये कह सकते हैं कि वो ग्रुप के हिसाब से चलता है, वो अकेला प्लेयर कभी नहीं खेल सकता। अरमान मलिक, चालबाज, ना मकबूल, नकली इंसान, नकली, सना सुल्तान, रहस्य। आपने सुलझा पाई? नहीं मैं सुलझा पाई बट स्टार्टिंग में मैं उनके लिए भी बोलूंगी, मैंने मुझे लगा था कि नकली इंसान है बट नहीं, अच्छी है, दिल की अच्छी है, अपनी उर्दू लैंग्वेज को एक अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, आला बहुत आला। तो रहस्य है उसे, कोई अभी तक तो शायद कोई अच्छे से समझ नहीं पाया, जो कहते हैं ना इमोशनल लड़की है, ये लड़की है, भाई अगर लड़की जो इमोशनल हो सकती है ना वो लोगों की बजा भी सकती है। साइकेटन, मास्टरमाइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा कोई नहीं जान सकता। रणवीर, रणवीर सर बेस्ट प्लेयर। दीपक जी और नेजी, दीपक भैया को घर का वो इंसान जो चुप है पर जब बोलेगा तो क्लास लेगा, मास्टर अमेजिंग, खामोश खामोश। वेल दैट वाज ऑल, चंद्रिका ने तो काफी अच्छे से सबमिट कर दिया गाइस हमारे लिए, घर के अंदर तो आपने उन्हें प्यार दे दिया, अभी घर के बाहर भी वापस आ चुकी है एंड वी थिंक वी आर अगेन गोइंग टू सी हर, उनके वीडियोस, उनके रील्स हम एंजॉय कर रहे थे सोशल मीडिया पे। नहीं अगर अभी अगर घर के अंदर जाओगे ना तो कुछ लोगों से तो भाई जरूर अब होगा क्योंकि वो वीडियो देखा ना, मुझे लगता था कि रोटी खा रहे हैं तो शायद एहसान फरामोश नहीं होंगे, एहसान फरामोशी की तो गद्दारी कही बात, बच के रहना गाइस इफ शी कम्स एट वाइल्ड कार्ड। साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन बाबा जी, इंडिया फोरम्स, मुंबई।